आर यू, कैसे हैं सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैंने सोचा कि आई शुड कम अराउंड एंड टॉक अबाउट वन और टू थिंग्स दैट आई सेड इन द पास्ट दैट आई विल शेयर। डाइट से मुतालिक मैंने वादा किया था कि मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं और कौन सी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं एंड दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर मी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कह लें कि लाइक डन डील टाइप ऑफ चीज़ें नहीं हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ आप यूज़ करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा, ये यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। एक चीज़ जो मैंने यूज़ की, जो मैंने अपनी वीडियो में पहले दिखाई है, वो है गोली एप्पल साइडर विनेगर गमीज। दे हैव बीन रियली हेल्पफुल। ऑनेस्टली क्रेविंग्स के उसमें आई शुड से कि दे हैव हेल्प मी अ लॉट। एज सच नॉट लाइक अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ वेट लॉस, आई वुड बी लाइक कि हाँ मैजिकली मेरा इतना पाउंड वजन कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आई थिंक कि अगर आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। नंबर वन, डाइजेस्टन में। नंबर टू, आपको जो क्रेविंग्स होती हैं उसको थोड़ा सा कर्ब करने में इट हैव हेल्प मी अ लॉट। मुझे सबसे ज़्यादा एक तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगा, नंबर वन थिंग। और सेकेंड चीज़ ये कि मुझे जब भी खाना खाने के, आई नो दे से ईट बिफोर यू ईट द मील, बट आई एक्चुअली हैड इट व्हेन आई वाज डन ईटिंग और मुझे डाइजेशन में एक्चुअली हेल्प चाहिए थी। सो दिस थिंग रियली हेल्प इन डाइजेशन, सो दैट्स वन थिंग। दिस थिंग आई ट्राइड लास्ट ईयर, आई डिड ए 14-day डिटॉक्स। मैंने ऑलमोस्ट एक वीक किया, फिर मैंने ब्रेक लिया और फिर मैंने एक और वीक किया। आप चाहे तो आप इसको ज़रा लंबे टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट द पैक रिकमेंड्स डूइंग एटलीस्ट 1 week और 2 week टू सी द रिजल्ट्स, यू नो। सो डिपेंडिंग ऑन योर पेशेंस एंड बॉडी के आपकी बॉडी कितना हैंडल कर सकती है, आई थिंक यू शुड ट्राई दैट वे। दिस इज दिस डिटॉक्स टी, इट इज टोटल टी डिटॉक्स। ये ऑरेंज कलर का पैक है, ठीक है। इसको ऑनेस्टली किसी रिलीजियस उसमें नहीं यूज कर रही थी। आई डिड ट्वाइस अ वीक और फिर मैंने इसको ट्वाइस अ डे और फिर मैंने इसको चेंज करके कर दिया ट्वाइस वंस अ डे। टिपिकली आई वॉज डूइंग इट वन आई वॉज एक्चुअली एट वर्क बिफोर लंच एंड लाइक नाश्ते के बाद काम पे चले गए और फिर लंच से पहले या फिर लंच के बाद में। दिस थिंग, दिस डिटॉक्स थिंग, इट्स अ मैजिक टी, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। मैजिक टी इस वजह से है क्योंकि अगर आप उन लोगों में से हैं जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं या जिनका बाउल मूवमेंट बहुत स्लो है, दिस इज फॉर यू। मुझे याद है मैं अपने हस्बैंड की कजन की शादी पे गई एंड उन आंटी को वहां जो था प्रॉब्लम था एंड आई वाज लाइक आंटी आई हैव इट इन माय बैग, व्हाई डोंट यू जस्ट ट्राई इट। एंड मुझे था कि आई डोंट नो हाउ मच इट विल हेल्प। शी लिटरली केम बैक एंड शी सेड आयशा मेरी 2 दिन की नहीं 2 महीने की कॉन्स्टिपेशन दूर हो गई। आई एम सॉरी आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी बट दैट्स द रियलिटी। अगर आपको फ्लश आउट करने में प्रॉब्लम है, आपको अपना फ्लशिंग पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बगैर आप वेट लूज नहीं कर सकते। अगर आप डेली फ्लश आउट नहीं करते हो और हेल्दी फ्लश आउट आपका नहीं है, वेट लॉस इज गना बी हार्ड, इट्स गना स्टे स्टक वेयर इट इज, दैट टाइप ऑफ थिंग। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट हैव रियली 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 हेल्प मी, स्पेशली आपका स्टमक एम्प्टी करने के लिए, आपकी क्रेविंग्स दूर करने के लिए, that type of thing. One more detox tea mere paas shayad uske thode se I think pack abhi pade honge. Let me show you what I have here if I can really find it. Oh, dabbo ke niche chuki padi hai, you see that? Okay, this is the tea. Yes, they are saying ki aap so ke uthne ke baad jo hai wo like within 20 minutes after you wake up take it on empty stomach. Even the other one, the orange tea that I've shown you guys, that also works perfect if you take it on empty stomach. But I think if you use it, this one particularly, use it on empty stomach, the other one, I think you can just have it even with meal, without meal, that type of thing. It's not gonna be like hurting. One more thing. I should go back to my kitchen. Okay,
दिस इज वेरी कॉमन हमारे सारे देसी घरों के अंदर, ये ऑल द टाइम मौजूद होती है. लेट्स जस्ट क्लोज दिस कैबिनेट ताकि मेरा मेस छुपा रहे. दिस इज ऑलराइट, हियर इट्स. दिस इज वेरी कॉमन इन ऑल ऑफ आवर हाउसेस. अगर आपके घर में नहीं है तो आप क्या खाना नहीं बनाते हैं? वो है ये. यू सी दिस, ये है, लेट मी कम क्लोज टू दिस. ओके, ये है मेथी दाना. इजीली अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. आप अमेरिका में हैं, बाहर कहीं और रहते हैं, पाकिस्तान में तो ऑफकोर्स है ही है. आई हर्ड के पाकिस्तान में शायद इसका दाना थोड़ा सा छोटा होता है. ये हैं जनाब इसके दाने. थोड़े से ये मेरे हाथ के ऊपर हैं, अगर किसी को नजर आ जाए. बट लेट मी गो टेक द कैमरा इन द बोल, लाइक क्लोज अप. ये मोटे दाने हैं. मैं भी जब पहले दिन मेथी दाने के पानी को पीने के लिए ये दाने ढूंढने निकली थी, मैंने दो ग्रोसरी के चक्कर लगाए, और हमारे से तो 30 मिनट की ड्राइव पे है जो अच्छा ग्रोसरी स्टोर है जहाँ हम जाते हैं ग्रोसरी करने. तो जनाब आई वाज लाइक, ये मेथी दाना नहीं है, बारीक वाला मेथी दाना चाहिए. बट नहीं, आपको बारीक वाला मेथी दाना नहीं चाहिए. दिस इज द मेथी दाना दैट यू नीड. एंड करना क्या है, करना ये है कि आपने इसको हाफ टी स्पून के करीब रात को भगो देना है एक ग्लास पानी में. इसकी तासीर गर्म होती है, हाफ टी स्पून मोस्ट लाइकली इनफ रहेगा. बहुत ओवरडू मत कीजिएगा. आधा टी स्पून लें एक ग्लास पानी में टैप वाटर, ठीक है, उसमें इसको भगो के रख दें. सुबह उठ के आपने निहार मुंह खाली पेट वो पानी पीना है, ठीक है, और निहार मुंह वो पानी पीना है. वो पानी पी के आप उसके बाद 20 मिनट्स वेट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो टोटली फाइन. यू हैव टू गो टू वर्क, यू हैव टू डू ब्रेकफास्ट, एब्सोल्युटली फाइन. मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, आप एक हफ्ता ये पानी पी के देखें, यू विल स्टार्ट फ्लशिंग आउट एवरीथिंग. आपकी बॉडी एक्स बॉडी पेन्स, जो लेस एनर्जी आप फील करते हैं वो चली जाएगी. नंबर 3, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी. Your belly fat gonna reduce real quick because you're gonna flush out regularly. Number 5, for women specifically, you're gonna have the best hormonal balance you'll ever find. Fenugreek methi dana, aap internet pe khol ke dekhen, there are 20,500 videos and those videos are not lie. Main personally itni fan hoon iski ke main aapko bata nahi sakti. Aur it is anti-inflammatory, it is best for hormones, it is best for girls who have PCOs. I don't have any issue like that, but I do have weight gain. My weight gain was primarily because I have sedentary job or craving wali khana, you know. So basically, this detox tea, methi dana, goli, gummies, try these. बट खुदा के लिए इन सब चीज़ों के साथ, इवन आई टेल दिस टू माई सेल्फ, क्योंकि मेरा भी यही मसला है. वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेट लॉस सिर्फ इन सब चीज़ों को मैजिकली करने से नहीं हो जाता. आप इन चीज़ों को ज़रूर यूज़ करें, स्पेशली मेथी दाना. मतलब खुदा की कसम, मैं इतनी उसकी फ़ैन हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती. मैं जब मैंने वो कर लिया था, और उसके बाद मैं तो अपनी अम्मी के पीछे पड़ गई कि मामा यू शुड ट्राई दैट, यू नो, उनको जोड़ों का मसला है, दैट टाइप ऑफ थिंग, उसकी वजह से. एंड कॉन्स्टिपेशन, यू नो. बी कंसिस्टेंट, पोर्शन कंट्रोल, क्रेविंग्स मेरे जैसा बंदा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आई एम स्ट्रगलिंग विद इट, आई एम ऑनेस्ट. बट सो बी कंसिस्टेंट, पोर्शन कंट्रोल, गो टू जिम. आई एम स्ट्रगलिंग विद ऑल ऑफ दैट, आई टोटली अंडरस्टैंड, इट्स नॉर्मल टू स्ट्रगल विद ऑल दीज थिंग्स, यू नो. यू आर नॉट द ओनली वन इन द वर्ल्ड, यू आर नॉट द ओनली वन हु मेक कमिटमेंट एवरी डे, आई एम गोना लूज वेट एंड देन इट डजंट हैपन. मैं यहां आपके साथ. ये कोई मैजिक पिल्स नहीं है, बट दे डू हेल्प, यू नो, स्पेशली मेरे जैसे बंदे जो बहुत ज्यादा, यू नो, स्ट्रगल करते हैं, दीज थिंग्स डू हेल्प, यू नो. सो इनको ट्राई करने के लिए हर्ज नहीं है. मैं यूएसए में हूँ, तो ये सब चीज़ें अमेजोन से मैंने ली हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ आप लोगों के लिए. अगर आपके पास ये सब नहीं भी है, मेथी दाना आप दुनिया के जिस भी हिस्से में रहेंगे ना, आपको मिल जाएगा. मेथी दाना ले लें, चाहे पाउडर की फॉर्म में, चाहे दाने की फॉर्म में. वो स्प्राउट्स मैंने कभी नहीं उनके बनाए, आई डोंट थिंक सो आपको स्प्राउटिंग करने की जरूरत है, यू कैन जस्ट सिंपली यूज इट लाइक दैट.
एंड अगर मैं हिलना बंद कर दूं, ओके सो स्प्राउटिंग मैंने नहीं की, मैंने सिंपली मेथी दाने का पानी यूज़ किया है. उसकी तासीर बहुत गर्म नहीं है, लेकिन इट हैव हेल्प मी अलॉट. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यू नो PMS के सिम्टम्स और पीरियड पेन, एंड देन यू नो आपका हार्मोनल बैलेंस, यू नो इट जस्ट ब्रिंग्स अ वेरी 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 गुड बैलेंस टू योर बॉडी. सो डू ट्राई दीज थिंग्स, लेट मी नो इफ यू फाइंड देम हेल्पफुल. कोई और चीज़ मैंने ट्राई की, कोई जुगाड़ और लगाया और वो काम कर गया. मैजिक पिल तो मेरे पास भी नहीं है, एंड आई एम श्योर किसी के पास नहीं है. होप आप जिस चीज़ की विश करें अपनी ज़िंदगी में, अगर वो आपके हक में बेहतर है, तो अल्लाह ताला आपको वो ज़रूर दे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.